दोस्तों फॉक्सी ट्रेडर एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसके बारे में आपने जरूर ही सुना होगा, क्योंकि वो आपके जितने भी पीडीएफ हैं उनको करेक्शन करने, एडिट करने, उनका सिग्नेचर को वैलिडेट करने के बहुत ही ज़्यादा काम में आता है। और ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है जो आसानी से ये सभी काम कर भी देता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि आप बिल्कुल फ्री में फॉक्सी ट्रेडर को अपने सिस्टम पर किस तरीके से डाउनलोड करेंगे और उसे किस तरीके से इंस्टॉल करेंगे। तरीके तो बहुत से हैं, लेकिन मैं यहाँ पर जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ ये तरीका कुछ ज़्यादा बेटर है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत ही आसान से प्रोसेस में बताऊँगा, डायरेक्ट आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होगा और डायरेक्ट उसको आप इंस्टॉल भी कर पाएंगे। चलिए हम सबसे पहले आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लेकिन यदि ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आए तो इस वीडियो को आप लाइक जरूर करिए। साथ ही चैनल पर नए और इसी तरह की जानकारी आपको आगे भी चाहिए तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाएगी। चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से आपको फॉक्सी ट्रेडर को डाउनलोड करना है। इसके लिए आप ऊपर की तरफ देखेंगे जो कि जेन्युइन वेबसाइट है, www.foxy.com। तो ये इस वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप क्लिक करते हैं तो इसका होम पेज कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर फ्री ट्रायल लिखा हुआ है, तो नीचे की तरफ आप आएंगे, यहाँ लिखा है फॉक्सी पीडीएफ रीडर, इस डाउनलोड नाउ पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप यहाँ डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से ऑप्शन आएगा, जहाँ पर पूछेगा कि ये आप किस लिए डाउनलोड करना चाहते हैं, विंडो के लिए, मैक के लिए, लिनक्स। तो यहाँ पर हम सिंपल सा विंडोज़ ही रखते हैं, इंग्लिश, तो यहाँ पर आप इंग्लिश ही रखिएगा, इंग्लिश। अब हम फ्री डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं। फ्री डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद योर डाउनलोड शुड स्टार्ट ऑटोमेटिकली, यहाँ पर थोड़ा सा आपको वेट कर लेना है और डाउनलोड आपकी ऑटोमेटिक यहाँ पर एप्लीकेशन आपका डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। यदि नहीं आता है तो आप जो लिखा है डाउनलोड मैनुअली, यहाँ पर क्लिक करके भी इस एप्लीकेशन को मैनुअली डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद जैसे ही आपका एप्लीकेशन डाउनलोड होता है तो इसको आप स्वयं फोल्डर कर दीजिए। अब यहाँ पर जैसे ही ये पॉपअप विंडो आपके सामने आती है तो इस पर आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप यहाँ यस पे क्लिक करेंगे तो इंस्टॉलेशन का जो प्रोसेस है वो यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए एक ऑप्शन आ रहा है कस्टम इंस्टॉलेशन चेकबॉक्स, तो इसे आप जैसा है वैसे रखिए, इसको आप टिक मत करिएगा। उसके बाद आप सिंपल सा नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और ये जो वर्जन है ये बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन है, इसमें आपको पुराना कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ये टर्म कंडीशन इसके हैं, लाइसेंस एग्रीमेंट वगैरह, तो ये चीज़ ऐसी है इसको कोई नहीं पढ़ता है, तो आप भी पढ़ना चाहें पढ़िए, फिलहाल मैं तो नहीं पढ़ूंगा। डायरेक्ट आई एग्री पर क्लिक कर देंगे, क्योंकि यदि इसे हम पढ़ते हैं कुछ भी हमें लगता है कि काम का नहीं है तो भी हमें डिसएग्री ही करना होगा। और यदि आप डिसएग्री करेंगे तो फॉक्सी ट्रेडर को आप यूज नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर तो आपको फाइनली एग्री ही करना है। उसके बाद अब यहाँ पर ये एप्लीकेशन आपका जो है सेटअप पूरा डाउनलोड हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले जो था आपका वहाँ पर इंस्टॉलर डाउनलोड हुआ था, अब ये यहाँ पर आपका सेटअप डाउनलोड हो रहा है। जब तक कि ये हमारा पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप कर देते हैं। अब हमारे यहाँ पर डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है और उसके बाद में इंस्टॉलिंग का प्रोसेस शुरू हो गया है। यहाँ पर भी थोड़ा बहुत टाइम आपको लग सकता है, तो जो भी टाइम लगता है उतना आपको वेट कर लेना है, उसके बाद आपका इंस्टॉलेशन भी कम्प्लीट हो जाएगा। और इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद आपके सामने इस तरीके से आ जाएगा लास्ट स्टेप, जहाँ पर लिखा होगा क्लिक टू फिनिश। अब यहाँ पर आपको फिनिश कर देना है, लेकिन उससे पहले यदि आपको फॉक्सी ट्रेडर को तुरंत ही रन करना है तो इस चेकबॉक्स को टिक रहने दें, नहीं करना है तो इसको यहाँ से टिक हटा दें, उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर दें। अब आप देखेंगे कि आपका फॉक्सी ट्रेडर आपके सिस्टम पर इंस्टॉल हो चुका है। जैसे ही फॉक्सी ट्रेडर आपका इंस्टॉल होता है तो यहाँ पर जो भी पीडीएफ फाइल आपकी होगी वो पीडीएफ फाइल इस तरीके से कन्वर्ट हो जाएगी। चलिए हम इस पीडीएफ को आपको ओपन करके दिखाते हैं फॉक्सी ट्रेडर में। तो इसको हम यहाँ से जैसे ओपन करेंगे और इसके बाद ओपन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमारा फॉक्सी ट्रेडर ओपन हो चुका है। अब यहाँ पर आप देखिए तो यहाँ पर रजिस्टर के लिए मांग रहा है, तो रजिस्टर का मतलब ये है कि ये आपका ट्रायल वर्जन है, ये आपका एक्टिवेट नहीं है। अब यदि इसको आपको एक्टिवेट करना है तो इसका की आपको उपाय करना होगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि या तो आप इसे यूज़ करिएगा, अदरवाइज आप हमारा दूसरा वीडियो भी मैंने इससे पहले अपलोड किया था चैनल पर, जिसमें भी मैंने आपको फॉक्सी ट्रेडर को ही डाउनलोड और इंस्टॉल करना बताया है, उसमें आपको ये वर्जन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद आप देखेंगे कि इस तरीके से हमारा जो पीडीएफ फाइल है वो फॉक्सी ट्रेडर में ओपन होकर के आ जाएगा। अब यहाँ पर होम, फाइल, कमेंट, व्यू, फार्म, ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। उम्मीद है आप हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे। और इसी तरह की जानकारी यदि आपको आगे भी देखनी है, इसी तरह के वीडियो से अपडेटेड बने रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, पास में घंटी का आइकन, दोनों को दबा लीजिए। नोटिफिकेशन आप हमेशा पाते रहेंगे अगले आने वाले सभी वीडियोज के। हम आपको मिलते हैं इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।